खबर सामने आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर तीखा प्रहार, उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी बोले हैं 2027 में इससे भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। यूपी उपचुनाव की जीत से गदगद हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं नए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ये जो खुशी है वो और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। उपचुनाव में भाजपा की जीत से विपक्ष जहां भयभीत है, तो वहीं बीजेपी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वहीं सीएम योगी बोले हैं 2027 में इससे भी ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करेंगे। ये कॉन्फिडेंस जो है वो बीजेपी में नजर आ रहा है। वहीं यूपी उपचुनाव की जीत से गदगद सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित उपचुनाव में विजयी नव निर्वाचित विधायकों के अभिनंदन समारोह को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने नव निर्वाचित विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और पदाधिकारियों को उपचुनाव के दौरान मिले दायित्वों को लेकर की गई कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सराहा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टीम भावना और एकजुटता के साथ कार्य करने से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत से विपक्षी दल भयभीत हो गए हैं, वो अब बस आरोप ही लगा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सभी को आश्वस्त किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी बड़ी जीत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और नेतृत्व में एनडीए ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, महाराष्ट्र में भारी बहुमत हासिल किया और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर विजय प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने चुनाव से पहले 7 सीटें जीतने की रणनीति बनाई थी, जिसे संगठन और कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतार कर सफल बनाया। तो योगी आदित्यनाथ ने कुंदरकी और कटहरी जैसी कठिन सीटों पर भी जीत को पार्टी की रणनीति और कार्यकर्ता और पदाधिकारी के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि जहां लोग जीत की संभावना पर सवाल उठाते थे, वहां भाजपा ने न केवल जीत हासिल की बल्कि अपनी स्थिति को भी मजबूत किया। कुंदरकी में 1.45 लाख वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष पांडे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। संतोष, जिस तरह से जीत यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पूरी पार्टी की देखने को मिल रही है, 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, ऐसे में अगर पार्टी की रणनीति की बात की जाए, क्योंकि 2027 को लेकर अपना विजन जो है वो यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयानों में पेश करते नजर आ रही है, तो क्या लगता है इस बार 2027 के लिए इस बार बीजेपी का क्या कुछ विजन रहने वाला है? देखिए वैष्णो जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, उससे उत्साहित नजर आ रही है। कल देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में साफ तौर पर अपने जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए नजर आए और उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार कहीं ना कहीं असंभव को संभव करने का काम प्रयास किया है, चूंकि अगर हम 2 सीटों की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और उस गढ़ को घेरने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों सीट, अगर हम चाहे कुंडरकी की बात कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट थी, बहुत दिनों से कहीं ना कहीं इस पर समाजवादी पार्टी का अपना कब्जा रहा है और उस गढ़ को भेदने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी उत्साहित और अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करने का जो काम है उनकी तरफ से किया जा रहा है कि 2027 में इसी ऊर्जा के साथ में, इसी जोश के साथ में अगर हम चुनावी मैदान में कार्यकर्ता काम करते हैं तो निश्चित तौर पर पहले की अपेक्षा और ज्यादा सफलता जो है वो मिलेगी। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी वैष्णव जी, लेकिन देखिए अगर इन चुनावों की अगर बात की जाए, उपचुनाव जो हुए हैं, इन उपचुनाव के नतीजों से पहले ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, उनके नेताओं की तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया था और इस तरह के अनुमान भी जो है वो लगाए जा रहे थे कि इस चुनाव का उपचुनाव, भले ही जो उपचुनाव थे वो 9 सीटों पर हो रही हो, लेकिन इसका सीधा असर जो है 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि यही 2027 के चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाले साबित होंगी। अब ऐसे में अगर देखिए बात की जाए समाजवादी पार्टी की, क्या लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कमी रह गई होगी, जो अपनी ही सीट से हाथ धोना पड़ गया, अपनी ही सीट पर जो माना जा रहा था कि सपा खेमे की है और समाजवादी पार्टी सीट पर जीत दर्ज करेगी, लेकिन उस सीट से भी समाजवादी पार्टी को हाथ धोना पड़ गया। देखिए आज उत्साहित से अखिलेश यादव अगर हम बात करें वैष्णो जी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी थी, इंडिया गठबंधन ने बहुमत
हासिल किया था उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से अगर हम बात करें तो आपने देखा कि कई दल मिलकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन ऐसा कुछ इस चुनाव में नजर नहीं आया। अखिलेश यादव को ये लगा कि सब हमें हमारे ही दम पर, इकलौते दम पर हमने चुनाव जीतने का काम किया है, और उन्होंने कांग्रेस को भी सीट नहीं दी। कांग्रेस ने भी अपनी डिमांड रखी थी, लेकिन उनको बिल्कुल सीट नहीं दिया गया है। यही सब परिणाम रहा। और भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब, जी संतोष क्या लगता है कि कांग्रेस को चुनावी लड़ में ना उतारना ये एक समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी वजह से इस तरह की हार का सामना, या यूं कहें कि इस तरह से अपनी ही सीटों पर जीत जो है दर्ज नहीं कर पाई समाजवादी, उसका एक मुख्य कारण कांग्रेस को चुनावी रण में ना उतारना है? देखिए, एक मुख्य कारण तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जरूर कारण हो सकता है वैष्णो जी, क्योंकि जिस तरह से जब साथ में मिलकर के कोई चुनाव लड़ा जा रहा है, गठबंधन बरकरार है, तो ऐसे में सहयोगी दल को साधना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी, और अगर हम खासतौर पर उसके मुखिया अखिलेश यादव की बात करें, तो जरूर बीच बीच उनका जो अपना कुछ कहीं ना कहीं गुरूर और घमंड आ जाता है, उसका खामियाजा उनको 2022 के चुनाव में भी झेलने को मिला, इस चुनाव में भी झेलने को मिला। फिलहाल अगर हम लोकसभा की चुनाव की बात करें तो वो बहुत अच्छे से समन्वय स्थापित किया था जनता के बीच में, उनकी कोई ऐसी भाषा, ऐसी कोई शैली नहीं थी जो जनता को खराब लगे, और उसका परिणाम भी आपने देखा कि बहुत अच्छा परिणाम रहा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जो भी गलतियां किया था, उनके कार्यकर्ता, उनके बड़े नेताओं की तरफ से, चाहे हम टिकट बंटवारे की बात करें, चाहे अन्य चीजों की बात करें, उस गलती को जो कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी दिखाती नजर आई थी, इसको किस तरह से सुधारने का प्रयास करती है, और 2027 में किस तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की ओर से देखने को मिलता है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। बहरहाल